वफाकी वज़रा, उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की है, क्या सिंध असम्बली बलोचिस्तान असम्बली में ऐसे नुमाइंदे नहीं कि उर्दू के तलफ़ की गलती करते हों? और बिलावल साहब, हमारे जो फेडरल मिनिस्टर होम मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने जो अल्फाज उनके मतलब इस्तेमाल किए हैं, खुदावंद पाक ने अपनी सूरत पर इंसान को बनाया है, उसकी चेहरे को, उसकी सूरत को जिस जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में हमारा नाम जो है, जो दिखाया गया कि क्या हम लोग अपने बच्चे जो स्कूल में जाते हैं या कॉलेजेस में बेटियां जाती हैं स्कूलों में, उनको ये दर्स दे रहे हैं कि ये जो जबान इन्होंने वफाक के वज़रा ने या एडवाइज़र जो जो कि एक गली का काउंसलर नहीं बनता, बन सकता, वो भी इस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि जिस रास्ते से वो आए उन्होंने वापस आवाम में तो जाने की उनकी पोजीशन नहीं रही। हमारे जो हमने तो अपने आवाम के पास जाना होता है, तो हमारे पास हर इंसान को वो जबान से ही ऊपर जाता है, उसकी इज्जत जबान से ही। इन्होंने जो जबान इस्तेमाल की है, क्या पूरे आप तो एक ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हो, एक ये जो पूरी जंग चल रही उसमें एक ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हो, क्या रशिया ने और चाइना जो है हमारा मुसलमानों का ब्रादर मुल्क है, ब्रादर तो हम हैं, आपके मसीह भाई आपके ब्रादर हैं मुसलमान भाइयों के, ये क्या हो रहा है? हम क्यों दूसरों की जंग में या दूसरों के मुफाद में अपने फैसले कर रहे हैं? हमारे अपने लोगों के लिए फैसले करें, अपनी आवाम के लिए। बेरोजगारी उरूज पर है, महंगाई, क्या महंगाई कंट्रोल हो गई? हर घर में जो दो चार मुलाजम हैं या ख़ानदान के अफराद हैं कमाने वाले, वो भी परेशान हैं। और जो पर जो हम लोगों ने अपोजिशन ने 2019 में करारदाद मंजूर की है, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ, गैस और बिजली के बिल के लिए, क्या हमारी करारदादें जो मैंने भी एक करारदाद मंजूर कराई, ये डस्टबिन में डाल दी जाती हैं, उस पर बलोचिस्तान की करारदादों पर अमल क्यों नहीं कराया जाता? वो गैस बिजली का बिल और ये वाटर स्कीमें ये चार चार ठेकेदारों के तवसत से बनाई जाती हैं। क्या एक ठेकेदार बोर करता है, एक ठेकेदार बिजली लगाता है, एक ठेकेदार मोटर लगाता है, वो चार साल गुजर जाते हैं? आपको नहीं, मैंने यही मौका मिला तो बात करनी ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज ये सूरत हाल हो जाएगी पीटीआई के, मेरे अपने भी फैमिली में या हमारे दोस्त साथी हैं, आप जमहूरी तरीके से बात करें, हर कोई, ये आपका हक है। आपको क्या मलक नसीर नहीं कहा कि क्या देता? हमारे पार्लिमानी लीडर भी तलफ़ में गलती कर जाता है, मैं भी कर जाता हूँ, मैं आपको इतना नहीं काबिल, ठीक है ना? लेकिन ये बात है, आपने दुरुस्त फरमाया, कोई अगर क्या आप उनकी तरह कुर्बानियाँ दे सकते हैं, अपनी जान का शहादत कर सकते हैं? चार चार शहादतें पड़ी उनके घर में, आपका एक मेंगड़ा मर जाए तो फिर पता आपको चले। शुक्रिया टाइटस भाई, आपने दुरुस्त फरमाया।